हेलो, आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। आज हम इस YouTube वीडियो के माध्यम से आगे बाजार का दशा दिशा कैसा रह सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो एक 4th जून के लो से एक अच्छा खासा तेजी देखी जा रही है। ये तेजी कितनी टिकाऊ है, कहाँ तक जा सकता है, क्या हो सकता है, कंप्लीट व्यू देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिस तरीके से हमने इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन रिजल्ट आने के दिन क्या होगा उसके करीब 2 या 3 वीडियो में आप लोगों को सजेस्ट किया था, व्यू दिया था। बाकी ध्यान रखिएगा, मेरा व्यू एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से होता है, तो जो भी मैंने व्यू दिया था वो 100% एक्यूरेट हुआ। अब इसके बाद क्या बाजार में एक लोगों का ऐसा होता है मानना कि अब तो हो गया, आगे क्या, आगे क्या, और हर मोड़ पे आपका हिट एंड ट्रायल चलता रहता है। यही बाजार का दस्तूर है, यही जीवन का भी दस्तूर है। ये अभी तक जो सफल आप हुए हैं, आगे क्या सफलता है? अगर असफल हो गए तो आप असफल ही इंसान कहे जाएंगे, ऐसा ही माना जाता है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 2 बार पीएम बनने के बाद, तीसरा बार 240 सीटों के साथ आने के बाद उनको लोग हरा हुआ महसूस कर रहा है, तो 2 बार की क्रेडिट, लास्ट टाइम की क्रेडिट कम होने के कारण उनको असफल लोग बोलने लगते हैं। ऐसे ऐसे सोच वाले लोग होते हैं और ऐसा माना भी जाता है। क्यों? जब स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा होता है और ऊपर जा रहा होता है देन ओके, लेकिन जैसे ही गिरता है, फिर गिरता है, तो फिर वो डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये जीवन का खेल है जो होगा और हर किसी के जीवन में होगा। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में नहीं। तो ये बातें मैंने बाजार के और लाइफ के लेसन से सीखा है, इसलिए मैंने बोला ऐसा। तो इसलिए अब आगे क्या होगा और इसका होने की क्या संभावनाएं हैं, ये समय के गर्भ में छोड़ देना चाहिए। अब रही बात आगे जो होने वाला है, मेरे हिसाब से बाजार में एक अच्छा खासा, उम्मीद से ज्यादा अच्छा खासा ऊपर आया है। 200-300 पॉइंट निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है, इससे इनकार भी नहीं कह सकता। लेकिन उसके बाद क्या, या यहीं से उसके बाद क्या, यहाँ थोड़ा ठहराव होगा, रुकावट होगा, कुछ सेक्टर के कुछ शेयरों में अच्छा खासा डिप मिलेगा, फिर उसके बाद दोबारा चलेगा। दोबारा चलने के बाद ये पैटर्न चलता ही रहेगा, ऊपर फिर देन नीचे, और ये फाइनली अक्टूबर के मिड, अगस्त के मिड तक ये कहानी कहीं ना कहीं एंड होते हुए दिखेगा, एंड होते हुए दिखेगा, और उसके बाद बाजार में एक गिरावट आने की संभावना है। तो एज पर माई व्यू 20 जुलाई तक बाजार में, अब इस बीच में ऐसा नहीं कि बीच में नहीं गिरेगा, बीच में ऐसा भी गिरेगा जो आने वाले इस हफ्ते के बाद वाला हफ्ता थोड़ा सा मेरे को डरावना लगता है। फिर निचले लेवल से फिर उठ के खड़ा हो जाएगा, फिर चल पड़ेगा, गिरते पड़ते 20 जुलाई तक एक फिर एक शिखर पे आएगा, और ये शिखर के बाद 20 जुलाई से 20 अगस्त का जो पीरियड है टॉप आउट का पीरियड है। मीन्स कुछ जुलाई में टॉप बनेगा, कुछ अगस्त में टॉप बनेगा, उसके बाद एक फिर से एक साइकिल चालू होगा डाउन ट्रेंड का। उस साइकिल के बारे में हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज हमने आप लोगों को ये बताने की कोशिश किया है, जिस तरीके से मार्च के गिरावट में, अप्रैल के गिरावट से मैंने बोला था कि अब यहाँ से बाजार चलेगा और फर्स्ट वीक ऑफ जून तक टॉप बना करके इलेक्शन के 4th जून में एक डिप मिलेगा, उसको खरीदेंगे। उसको खरीदने के बाद यहाँ पे जहाँ अभी हम हैं, इलेक्शन के लो से लगभग 10% से ज्यादा ऊपर हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग सिनारियो देखे जाने की संभावनाएं हैं। देन प्रॉफिट बुकिंग के बाद डिप से फिर एक चलने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद चलने के बाद फिर से गिरेगा, और ओवरऑल 20 जुलाई से 20 अगस्त तक टॉप आउट बना करके बाजार में एक डाउन साइड होने की तैयारी करेगा। तो मैं लगातार मार्च से लेकर के
अगस्त तक का व्यू दिया हूँ, जिसमें से जून तक कंप्लीट हो गया है, आगे का 2 महीना और है। इस 2 महीने की बाई ऑन डिप वो खेल को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और टेक्निकल चार्ट पे एनालिसिस करके ही ट्रेड ले, ये मेरी अपनी एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस है। एस्ट्रो टेक्निकल के बारे में जानना हो, लर्निंग करना हो, तो मेरे दिए हुए मोबाइल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एस्ट्रो टेक्निकल उन्हीं को मैं सिखाता हूँ जिनके पास पेशेंस है, प्लस इसका इम्पोर्टेंट है। ये छोटा मोटा कोर्स नहीं है, ये कॉस्टली कोर्स है, इसलिए मैं बेचता नहीं। जिसको सीखने का, जिसके पास पावर है लर्निंग का, वही आकर के संपर्क कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग, कोई भी फोन कर देता है, मैं जवाब दे देता हूँ कि मैं नहीं सिखाता, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंट नहीं है। लोगों को लगता है कि ये भविष्यवाणी ये कर सकते हैं, तो इस थ्योरी को सीख के मैं भी कर लूंगा। नहीं, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए, स्टडी भी चाहिए और पावर भी चाहिए लर्निंग। आप सोचोगे कि मैं सीख के किसी और को सिखा के पैसे कमा लूंगा, यूट्यूब वीडियो बना के कमा लूंगा, ये विद्या उस सेक्टर में, उस फील्ड में काम नहीं करेगा। ये आपको सीखने के बाद खुद पे अमल करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके रिजल्ट आपको अच्छे दिखेंगे, तभी किसी को आप बताने योग्य बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।